क्योंकि अगर हमें लक्षण पहले से पता है, लक्षण क्या आ रहे हैं उस पर हम ध्यान दे पाते हैं और उनको हल्के में नहीं लेते, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, बहुत सारा और वेस्ट मटेरियल है, ये बॉडी में हर टाइम बनता रहता है। और जब क्रिएटिनिन इकट्ठा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी सारा वेस्ट मटेरियल भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपकी किडनी खराब हो रही होगी शायद इसी वजह से आपको वीकनेस आ रही होगी, डॉक्टर बेकार है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के मुख्य लक्षणों के बारे में। क्योंकि अगर हमें लक्षण पहले से पता है, लक्षण क्या आ रहे हैं उस पर हम ध्यान दे पाते हैं और उनको हल्के में नहीं लेते तो किडनी फेलियर को हम बहुत पहले ही पकड़ सकते हैं और उस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो किडनी फेलियर बीमारी है ना, वो साइलेंट किलर की तरह है। आपकी बॉडी में किडनी खराब हो रही होती है और कोई सिम्टम पैदा ही नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप महसूस ही नहीं कर पाते। तो आपको अपने शरीर की छोटी छोटी बारीकियों पे नजर डालनी पड़ती है, उन्हें समझना पड़ता है कि उसका क्या मतलब हो सकता है। तो आज शुरुआत करते हैं इसी से कि किडनी जब खराब होनी शुरू होती है तो क्या लक्षण देती है, जब खराब ज्यादा हो जाती है तो क्या होती है, जब किडनी पूरी खराब हो जाती है तो क्या लक्षण होते। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जब किडनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है, क्रिएटिनिन नॉर्मल है और सिर्फ एक लक्षण पैदा होता है, वो है यूरिन में प्रोटीन का आना। किडनी का बॉडी में काम क्या है, वाटर को रेगुलेट करना, सॉल्ट को रेगुलेट करना, यही सब काम है ना, गंदगी को बाहर निकालना, यही काम है। बट वो एक और काम करती है, वो है प्रोटीन को बॉडी के अंदर होल्ड करना। अब इसको कैसे करती है वो समझाना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप इसको माइंड में इस तरह से रखो कि जो प्रोटीन है जो ब्लड में फ्लो कर रहा होता है वो किडनी को पास नहीं कर पाता और आपके यूरिन में प्रोटीन नहीं होता या फिर बहुत थोड़ा सा होता है जिसका कोई मायने नहीं होते। मगर जब किडनी खराब होनी शुरू होती है, मान लो बीपी से हुई, शुगर से हुई या कोई भी कारण हो, आईजी नेफ्रोपैथी हो, तो पहला लक्षण जो पैदा होता है किसी के शरीर के इंसान के अंदर वो है यूरिन के अंदर प्रोटीन आना। तो यूरिन क्या होगा, प्रोटीन की वजह से गदला सा हो जाएगा, जब आप यूरिन करेंगे तो उसमें खूब सारी झाग बनेंगी और वही आपको बताता है कि कुछ ना कुछ किडनी के साथ गलत हो रहा है। अब जब ये पहला लक्षण, जब क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल है, अब जब किडनी खराब होती है तो धीरे धीरे उसकी काम करने की क्षमता कम होनी शुरू होती है। तो क्रिएटिनिन हम देखते हैं 0.5 to 1, 1.1, 1.2, 1.3 लैब में फ़र्क होता है, तो ये थोड़ा वेरिएबल होता है। तो 0.5 टू 1 तक ना, यहाँ पे हमें कुछ पता ही नहीं लगता कि किडनी के साथ क्या गलत है क्या गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किडनी को 30% का मिनिमम डैमेज हो जाता है उसके बाद ही क्रिएटिनिन की वैल्यूज बढ़नी शुरू होती हैं। यानी अगर मेरा क्रिएटिनिन लेवल 1.1 भी आ रहा है तो 30% किडनी डैमेज करने के बाद आ रहा है, उससे पहले वो नहीं पड़ेगा। क्योंकि किडनी के पास अपनी क्षमता है अपने काम की क्षमता को बढ़ा लेने की। यानी अगर मान लो 30% नुकसान भी हुआ ना, तो अपने अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेगी और खून को साफ रखेगी। बट जैसे 30% तक नुकसान हो जाता है तो किडनी इसको हैंडल नहीं कर पाती, इसी वजह से क्रिएटिनिन जो शरीर में बन रहा है अब वो ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहीं पे हम भी जाकर हमें पता लगता है रिपोर्टों से कि कुछ ना कुछ किडनी के साथ गलत हो रहा है। क्रिएटिनिन है, यूरिया है, बहुत सारा और वेस्ट मटेरियल है, ये बॉडी में हर टाइम बनता रहता है। और जब किडनी इकट्ठा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी सारा वेस्ट मटेरियल भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। तो जब तक इसके लेवल कम है तो आपकी बॉडी को कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ भी महसूस नहीं होगा। जब इसके लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मालूम किडनी लेवल आ रहा है 5 और 6, तो ये ऐसा लेवल होता है कि जहाँ पर जाकर पेशेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस होनी शुरू होती है। और दिक्कत सुनोगे तो कहोगे यार ये तो मुझे भी है। दिक्कत महसूस होती है वीकनेस की, ये शरीर में कमजोरी महसूस होती है, ताकत महसूस नहीं होती। अब ये वीकनेस, ताकत ना महसूस होना, ये तो आम लक्षण है। खाने पीने में कमी हो तो भी हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो तो भी हो जाता है, बीटेल की कमी हो तो भी हो जाता है। अब इसको जज करना कि ये किडनी से हो रहा है, ये बड़ा मुश्किल काम है, सच्चाई वाली बात। क्योंकि कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे कहोगे डॉक्टर साहब मुझे ना थकावट महसूस हो रही है, मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, कोई कहा ओके ठीक है मल्टी विटामिन ले लो, है ना। यहाँ ये दिक्कत आती है कि वीकनेस को किडनी फेलियर से रिलेट करना आसान नहीं होता। अगर कोई डॉक्टर ये कह दे कि आपकी किडनी खराब हो रही होगी शायद इसी वजह से आपको वीकनेस आ रही होगी, डॉक्टर बेकार है। तो ये इतना कॉमन लक्षण है कि हर दूसरे इंसान को महसूस हो जाता है। हम कहीं शॉपिंग कर कर आते हैं तो बॉडी में थकावट हो रही होती है, जिम चले गए तो थकावट होती है, पार्टी रात भर लेट कर ली तो थकावट हो जाती है। तो थकावट एक ऐसी चीज़ है जो हर दूसरे तीसरे दिन आपकी बॉडी को महसूस होती रहती है। अब उसको रिलेट करना तो थोड़ा सा
दिक्कत वाला हो जाता है। अब जैसे जैसे और क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हैं तो बॉडी में और टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है। अब वहाँ पर जाकर जब आपके क्रिएटिनिन लेवल 8-9 के आसपास आना शुरू होता है तब बॉडी में इतना टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो चुका होता है कि वहाँ पर सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। अब ये जो सिम्टम है ना ये हर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आते हैं। क्यों आते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। किसी बच्चे में सिम्टम जल्दी आते हैं, अलग टाइप से दिखेंगे। किसी एडल्ट के अंदर जो 30-40 साल का है उसमें सिम्टम बिल्कुल अलग होंगे। जो 60-70 साल का पेशेंट है उसमें सिम्टम बदल जाते हैं। कुछ सिम्टम हमें दिखते हैं और उससे जज करना है कि किडनी फेलियर है। सिम्टम कैसे है, इचिंग। अब आपको खुजली हो रही है, ठीक है, आपको बहुत खुजली हो रही है। अब आप क्या करोगे, स्किन के डॉक्टर के पास जाओगे। स्किन के डॉक्टर को क्या बोलोगे, डॉक्टर साहब मुझे खुजली हो रही है। वो क्या करेगा कि जाके किडनी का टेस्ट करवा लो, KFT करवा लो, क्रीम लगाओ। अगर ठीक नहीं होती आप डॉक्टर के पास दोबारा जाते हो कि डॉक्टर साहब आपने जो क्रीम दी थी ना उसने काम नहीं किया, तो डॉक्टर के माइंड में एक लाइट जलती है। वो कहते हैं ओके ठीक है, मैंने क्रीम तो बहुत अच्छी दी थी, काम क्यों नहीं किया, चलो एक काम करते हैं आपके ब्लड के टेस्ट करवाते हैं। तब जब ब्लड के टेस्ट होते हैं तब जाके पता लगता है कि वो जो खुजली हो रही थी वो किडनी की वजह से हो रही थी। देखा कितना मुश्किल काम है। जब किडनी नहीं इकट्ठा हो रहा है तो यूरिया भी इकट्ठा हो रहा है। जब यूरिया इकट्ठा होता है ना तो एक और सिम्टम पैदा होता है, वो है लॉस ऑफ एपेटाइट का, यानी भूख का मर जाना। खाना सामने आया मैं नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं है, ये सब चीज़ें होना। या खाना सामने आया मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है, मैं नहीं खा रहा, ये सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो अब ये जो सिम्टम है ये भी कोई खराब नहीं है, ऐसा कोई कॉमन बड़ा सिम्टम नहीं कि देख के बोल दोगे कि ये किडनी की वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर मान लो आपका पेट में गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उस टाइम में खाना खाने का मन नहीं करता। अब उसको ही देख के ये कहना कि किडनी खराब हो रही है ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बट ये जो हो रहा होता है ये यूरिया की वजह से हो रहा होता है कि हमारा पेट खाली भी है, हम उसे महसूस नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये सिम्टम पैदा होता है। अब ये तो हो गए कॉमन सिम्टम के बारे में। अब एक और कॉमन सिम्टम के बारे में बात करते हैं, वो है खून की कमी। अब आपने जाके टेस्ट करवाया, उसमें देखा कि हीमोग्लोबिन मेरा जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, जबकि चाहिए हमें 11-12। अब ये 7 हीमोग्लोबिन आ रहा है, आप सोचते हो कि मैं तो खाना तो प्रॉपर खा रहा हूँ, तीनों टाइम मैं खाना खाता हूँ, मैं अनार का जूस भी पी लेता हूँ, मैं चुकंदर भी खा लेता हूँ, मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरा खून क्यों नहीं बना मेरी बॉडी में। तब जाके भी पेशेंट का पता लगता है कि पेशेंट किडनी फेलियर से ग्रसित है। कैसे पता लगता है, बस समझाता हूँ। हमारी जो किडनी होती है वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है कि आयरन लिया, प्रोटीन लिया, फॉलिक एसिड, B12, सबको आपस में मिलाया और हमने बना दिया हीमोग्लोबिन। अब अगर इसमें सब कुछ समान है, फॉलिक एसिड है, B12 है, आयरन है, प्रोटीन है, बट एरिथ्रोपोइटिन नहीं है, क्योंकि किडनी खराब हो गई है, वो कम बना रही है या नहीं बना पा रही, तो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता और हमारा हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। और ये जो हीमोग्लोबिन डाउन हुआ इसकी वजह से और सिम्टम पैदा होते हैं। क्या होगा, सांस का फूलना, 10 कदम चलोगे सीढ़ियां चढ़ोगे उतरोगे ये सब शुरू हो जाता है। या फिर आपको थकावट महसूस होती है, नींद बहुत ज्यादा आती है कि मन करता है बस सोते रहो। तो ये जो सिम्टम है ये भी बहुत जनरल है कि खून की कमी हो ना, खून की कमी तो भाई मान लो कि पाइल्स की दिक्कत है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो भी हो जाता है। फीमेल्स में तो पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स की वजह से खून की कमी हो जाती है, तो ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। इसी कॉमन सिम्टम, अब आपने देखा कि सारे के सारे सिम्टम्स कॉमन है और एक सिम्टम को देखकर ये जज करना कि ये किडनी की वजह से हो रहा है ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसी वजह से किडनी की बीमारी जब तक बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाती तब तक किसी पेशेंट को खास पता नहीं लगता बॉडी से कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मगर आपने आज ये वीडियो देखी है, आपको पता है कि अगर कोई भी दो सिम्टम जो मैंने बताया, कोई भी दो सिम्टम आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं ना, दिक्कत है। आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको हो सकता है कि किडनी की दिक्कत हो, तो आपने क्या करना है, यूरिन का टेस्ट करवाना, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन आना ये सबसे पहला सिम्टम है और ये होगा ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में ये होगा ही होगा। तो ज़रूरी है कि अपने यूरिन का टेस्ट करवाओ, अपना KFT करवाओ और उसके बाद कुछ करो। और मैं अपने सारे के सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एडवाइस करता हूँ कि आप कुछ ना हो ना, जैसे हम इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए देते हैं कि अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारा खर्चा हमें अपनी जेब से ना देना पड़े, कंपनी दे, है ना। मगर आपको अपना पीरियोडिक टेस्ट हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी लैब जो आपके घर के आसपास हो उसको सेट कर दो कि ओके ठीक है, हर 6 महीने में तो भाई आ जाइयो, मेरा खून ले जाइयो और मेरे को रिपोर्ट दे दियो कि मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। उसमें यूरिन का टेस्ट, उसमें ब्लड का टेस्ट इंक्लूड करवा के रखा करो। और जिन पेशेंट्स को हार्ट की कंडीशन है, जिनकी फैमिली में, जिनके फादर फोर फादर्स में हार्ट की कंडीशन रही है, वो उसमें ECG भी ऐड करवा सकते हैं, क्योंकि अब घर पर भी ECG हो जाता है। तो घर बैठे बैठे टेस्ट करवाओगे तो क्या होगा, बीमारी को बहुत
बहुत पहले ही पकड़ लोगे, और जितनी जल्दी इसको पकड़ लोगे उतनी जल्दी इस पर काम कर इस पर कंट्रोल ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने बीमारी को स्लो डाउन भी कर दिया तो आप अपनी नॉर्मल एज जी जाते हो। मान लो जैसे एक पेशेंट है 40 इयर्स का और उसको दिक्कत हो रही है यूरिन में प्रोटीन आने की, उसको पता लग गया। अब जब उसे पता लग गया कि मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रही है, उसने सारा चेकअप करवा लिया, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है, तो वो क्या करेगा? अगर उस बीमारी को, उस लक्षण को गंभीरता से लेता है तो क्या करेगा? देखेगा कि प्रोटीन क्यों आ रहा है, किडनी को नुकसान क्यों हो रहा है, क्या बीपी नुकसान पहुंचा रहा है या शुगर नुकसान पहुंचा रही है। अगर मान लो बीपी ज्यादा बढ़ा रहता है तो उसे समझ में आ जाएगा कि मेरे बीपी की वजह से मेरी किडनी को नुकसान हो रहा है और मुझे इस बीपी को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब पेशेंट बहुत एक्टिव था अपनी हेल्थ को लेकर, उसने क्या किया, बीपी की मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेने लगा, खाने में नमक कम कर दिया, लाइफ स्टाइल सुधार ली। अब अगर किडनी को नुकसान 20% भी हुआ है ना, ये 100% जाएगा। ये 20% से जब 100% जा रहा है उसमें 40 साल निकल जाएंगे, पेशेंट 80 का होगा जब उसको लगेगा कि ठीक है मुझे अब डायलिसिस करवाने की जरूरत है। तो हमने बीमारी को धीमा, इतना धीमा कर देना होता है कि बीमारी ना के बराबर हो, आपकी जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के चले। क्योंकि किडनी के अंदर जो नुकसान हो गया, जो एरिया टिश्यू मर गया है, वो तो मरा ही रहेगा, वो जिंदा नहीं होने वाला। बट जो हेल्दी टिश्यू है उसकी हेल्थ को मेंटेन करना वो आप सभी के हाथों में होता है। इसलिए जितनी भी वीडियोस होती है मैं हमेशा जोर देता हूं कि बीमारी की जड़ पे जाओ, किडनी क्यों खराब हो रही है उसको पकड़ो, क्योंकि 80% केसेस के अंदर हमारे हाथ में कंट्रोल होता है। बीपी बढ़ रहा है, बीपी की मेडिसिन देके कंट्रोल है ना उसका, शुगर की दिक्कत है, डायबिटीज बढ़ी हुई है, तो हमारे पास कंट्रोल है उसका। अब जो 20% बच जाती है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है, पॉलीसिस्टिक किडनी, आईजीए नेफ्रोपैथी, अननोन एटियोलॉजी, पता नहीं क्यों हो रही है, ल्यूपस नेफ्राइटिस, पता नहीं क्यों हो रही है, बट हो रही है। ऐसी बीमारियों में मैं मानता हूं कि हाथ टाइट होते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, बट जिनमें हम 80% में कर पाते हैं वहां तो हमें एक्टिवली काम कर लेना चाहिए। अब पेशेंट मेरे पास आता है, डॉक्टर साहब देखो मेरा बीपी इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 140-90, कह रहा नॉर्मल तो है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल इंसान जिसकी किडनी खराब नहीं है उसके लिए नॉर्मल हो सकता है, बट आपके लिए नहीं है। आपको अपना बीपी थोड़ा सा 5 पॉइंट 10 पॉइंट नीचे की तरफ रखो ना, किडनी को आराम देने दो ना, क्योंकि किडनी पर जितना लोड डालोगे वो पहले से खराब हो चुकी है, जितना लोड डालोगे वो इसको और मुश्किल होगी ना उसके लिए, टिश्यू और डैमेज होगा। तो बीपी को थोड़ा सा नीचे रखो, शुगर को कंट्रोल रेंज में रखो, और मैं क्या रेंज देता हूँ, मैं देता हूँ 180 का। आपकी फास्टिंग हो, पीपी हो, रैंडम हो, 180 से नीचे रखो, आपकी शुगर फिर भी बनी रहेगी मैं मानता हूँ, बट आपकी किडनी को डैमेज नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल हो, चाहे वो किडनी फेलियर का पेशेंट हो। अगर आप इन दो चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हो ना, तो 80% बीमारी तो वैसे ही कट गई ना, आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आपको टेंशन नहीं होगा, फैमिली भी सुकून में, आप भी सुकून में अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि किडनी फेलियर की दिक्कत ना अक्सर पेशेंट होते हैं एज वाइज 30s 40s 50s में, जहाँ पे स्कूल कॉलेज खत्म हुआ होता है, जॉब में सेटल हुए होते हैं 30s तक, और उसके बाद कोई ऐसी बीमारी लग जाए तो लाइफ लगता है कि यह खराब हो गई। तो हमें अपनी बॉडी पे काम करता रहना चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सके। और लेट होने से अच्छा है कि एक्टिवली शुरू में ही काम कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी अपनी प्लानिंग कर लो कि बीपी शुगर अगर मेरे फादर को है तो मुझे भी हो सकता है। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये 2 दिन करोगे कोई फायदा नहीं होगा, 6 महीने करोगे कोई फायदा नहीं होगा, 6 साल करोगे कोई फायदा नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूसली डेकेड्स में करना पड़ता है, सालों साल करना पड़ता है। 10-20-30 साल अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे तो बॉडी आपका ध्यान रखेगी ना, लंबा चलेगी। अगर बॉडी में एक ऑर्गन भी खराब हो गया तो पूरी बॉडी कोलैप्स करती है, क्योंकि किसी भी एक ऑर्गन के फेलियर के बाद बॉडी को सर्वाइव कैसे करवाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी पे शुरू पे ही काम करना। और उसकी परफेक्ट एज मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होना तो पार्टियां हो जाती खत्म, जैसे ही आपकी जॉब लगे ना तो अपनी बॉडी पे काम करना शुरू करो। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को बीमारियों से बचाने का, क्योंकि बीमारी आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है 10 लाख का 20 लाख का, खत्म हो जाएगा ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों में। कैंसर कितना फैला है, किडनी फेलियर की बात करें सोचो तो सही एक बारी कि पहले क्या हम कैंसर की इतनी कंप्लेंट्स देखते थे, बट आप देखो कि कितने पेशेंट हैं इंडिया में, कैंसर कितने तेजी से फैल रहा है। तो ये सब काम किया जा सकता है अपनी बॉडी का ध्यान रखकर, क्या खा रहे हो, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम कुछ ज़्यादा ही कैंसर में चले गए, बट हम मुद्दे से भी भटक गए। तो हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।